नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। शहर में निजी कंपनी, निजी संस्था के माध्यम से साफ सफाई का काम पिछले एक साल से कराया जा रहा है। एक साल पूरे हो चुके हैं, कुछ ज्यादा ही बीत चुका है, लेकिन अब भी स्थिति में वो अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है जिसकी उम्मीद शहरवासी लगाए बैठे थे। पिछले साल जब इकरारनामा हुआ था या कार्य आवंटन हुआ था 72 या 73 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से, पाथ इंटरनेशनल कर कोई संस्था है उसे दिया गया था। उम्मीद थी कि शहर से कूड़ा कचरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कूड़ा कचरा का अंबार बहुत ज़्यादा इस शहर के अंदर था। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि इस कंपनी, जब निजी सेक्टर में जब दिया गया है साफ सफाई का जिम्मा, तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। हाँ, कुछ वक्त लग सकता है, तो वक्त 2 महीना 4 महीना 6 महीना मानकर शहरवासी चल रहे थे, लेकिन एक साल से ज़्यादा बीत गए हैं, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। आलम ये है कि अब भी कचरा निस्तारण का काम कहीं कहीं मोहल्ले, गली मोहल्ले में देखा जाता है कि प्लास्टिक और अन्य कचरे का अंबार रहता है, और वहाँ पे वही सफाई मजदूर जिनको ये काम दिया गया है, जिनको जिस वार्ड में लगाया गया है, वो वहाँ पर कचरा को माचिस इकट्ठा करते हैं और माचिस जलाकर उसको जलाते हैं। होता ये है कि चूंकि वहाँ पे प्लास्टिक का मात्रा इस्तेमाल अब भी बंद नहीं हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो उसको जलाने से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। अब आलम यह हो गया है कि शहरवासी इस व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं और तंग कहीं आ चुके हैं। अब भी कचरा निस्तारण, जो भी कूड़ा कचरा का उठाव किया जाता है प्रतिदिन, नवादा शहर की जीवनदायिनी खूरी नदी में डाल दिया जाता है। नाली बजबजाती हुई अब भी दिखती है। आज सुबह की घटना है, एक नए नवेले वार्ड पार्षद हैं, उनके पति एक जगह नाली की सफाई करवा रहे थे, बताया, हमारे ऊपर नज़र पड़ते ही उनका शिकायत हुआ। शिकायत भरे लहजे में देखे, सर क्या व्यवस्था है, एक स्लेब को भी सही से दुरुस्त करके नहीं रखा गया था, इस कारण यहाँ नाली जाम की स्थिति बनी हुई थी। खैर, अब उनके ऊपर जवाबदेही आ गई है, तब बेचारे उसको झेल रहे हैं। कहने का आशय ये है कि यह व्यवस्था कब सुधरेगी, किस रूप में सुधरेगी, इसका इंतजार शहरवासियों को अब भी है। हमने अपने कैमरा में कुछ तस्वीरें कैद की है, जो कि शहर की बजबजाती नाली और जला करके कूड़ा कचरा को समाप्त करने का जो काम चल रहा है, हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप भी है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। और जैसा कि जब नई बोर्ड का गठन करीब करीब हो चुका है, एक औपचारिकता बाकी है, पार्षद और चेयरमैन वाइस चेयरमैन निर्वाचित हो गए हैं, और निर्वाचन के एक दिन के बाद ही यहाँ के नवनिर्वाचित जो मुख्य पार्षद हैं उनका ऐलान हुआ है। दो काम मुख्य रूप से फोकस उन्होंने किया है, एक तो ये कि शहर को जाम से मुक्त कराएंगे। शहर में नित्यदिन जाम लगता है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, और सबसे ज़्यादा जाम उसी इलाके में लगता है जिस इलाके से मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद निर्वाचित होकर आए हैं। नवादा से पकरी बरामई और नवादा जमुई पथ जो है, वहाँ पे माल गोदाम के पास रेलवे क्रॉसिंग है, बहुत चालू ये सड़क है, वहाँ पर ओवरब्रिज आरओबी बनना था, अभी तक लटका हुआ है मामला इसका, और क्यूलिया रेलखंड से ट्रेनें जो है सो हर घंटे घंटे गुजरती है, चाहे वो मालगाड़ी हो, कोयला गाड़ी हो, या पैसेंजर गाड़ी हो, एक्सप्रेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर घंटे ट्रेन क्रॉस करती है, और उस दौरान जो है सो फाटक को बंद करना पड़ता है, इस कारण घंटों जाम दोनों तरफ लगता है, सड़क भी संकीर्ण है। तो एक प्राथमिकता उन्होंने जाम से के बारे में गिनवाया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि हाँ, साफ सफाई की कमी है,
आलम यह था कि पिछली दफा 33 वार्ड जिसमें था उस समय 73 लाख रुपया या 72 लाख रुपया सालाना में मंथली पर मंथ साफ सफाई के लिए नगर परिषद ने जिस संस्था को जिम्मेवारी दी थी उसको दे रहे थे। अब पहले जो पूर्व से कार्यरत हर वार्ड में 2 सफाई कर्मी थे, नई संस्था जब आई निजी कंपनी के हाथ में सौंपा गया निजी संस्था को, तो उसने 2 लेबर बढ़ाया। अब अधिकांश वार्डों की स्थिति है कि कहीं भी 4 लेबर काम करते नहीं हैं, वो लेबर कहाँ जाते हैं कहाँ रहते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। उस लेबर के नाम पर जो पैसा व्यय होता है वो कहाँ जाता है कौन खाते हैं यह भी एक जांच का विषय बन गया है। तो हम एक उम्मीद करते हैं कि नवादा नगर परिषद के जो नए चेयरमैन और उनके पति जो पूर्व चेयरमैन हैं जिन्हें काफ़ी कुछ आइडिया इस नगर परिषद क्षेत्र के बारे में है, वो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करेंगे और ये जो स्वयंसेवी संस्था जिसको NGO को इन लोगों ने सफाई का जिम्मा दिया है उसकी जो उसके और पदाधिकारियों के बीच में जो घालमेल है और उसमें बताया जाता है कि कुछ वार्ड पार्षद भी इन्वॉल्व रहते हैं कमाने खाने में, तो उस पर निगरानी रखने की है। और वो सारा जो कमी कहाँ था कहाँ इस टाइप का घालमेल चल रहा था वो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इस समस्या से निजात मिलना नहीं है। एक और बात जो इसमें आती थी कि उसमें बहुत सारे सफाई कर्मी कुछ साहब के आवास कुछ राजनेताओं के आवास पर डिपुटेशन में लगा दिए गए थे। मेरा कहना है कि उनके भी घर की साफ सफाई या उनके भी बगान की साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ही बगान की सफाई के नाम पर 2-4 लेबर प्रतिदिन। तो इस प्रकार अगर होगा तो 10-15 नेता और 10-15 पदाधिकारी तो 30 लेबर तो 100 लेबर तो प्रतिदिन वहाँ ही चला जाएगा। यह सब चीज़ को देखना है कि किस प्रकार अंकुश लगाया जाता है और आम नागरिक जो हैं त्रस्त हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे कर पाते हैं, ये जिम्मेवारी नए चेयरमैन वाइस चेयरमैन निर्वाचित पार्षदों पर है। एक बात और कि गीला कचरा सूखा कचरा का उठाव का प्रबंध अभी तक हर वार्डों में नहीं हो पाया है। नल का जल की का कनेक्शन भी हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। छोटी छोटी समस्याएं हैं और लोगों की वही ज़रूरत भी है, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो मुख्य पार्षद उनको मुख्य पार्षद और नवनिर्वाचित पार्षद जो हैं जब अपना काम काज संभालेंगे तो इन छोटी छोटी समस्याओं को वो जो जनहित का है उसको दूर करने का काम करेंगे। और उसका इंतज़ार हमको भी रहेगा और शहरवासी को तो है ही, और हमारी नज़र इस चीज़ पर हमेशा बनी रहेगी कि क्या इन सारी समस्याओं पर सुधार होता है कि नहीं होता, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात को लाते रहेंगे समय समय पर आगाह कराते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और कुछ हम आपको दिखाए हुए छोड़े हुए चलते हैं कि किस प्रकार आग लगाकर आगजनी कर कूड़ा कचरा का निस्तारण इस शहर में हो रहा है और किस प्रकार बजवाजाती नाली नए वार्ड पार्षदों के जिम्मे मिला है और उसकी वो साफ सफाई करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं। और एक अपील भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अचानक लेके फिर याद आया सुधीर जी का, बताया तुम कैसे पूछते हैं क्या बात है, पुनः मुझको भव करने से चर्चा निकला। हेलो
सब तो आप मालवन बना के खींचा साफ कर खा चला गया।